मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको आपके साथ अपने फेवरेट इंग्लिश एडजेक्टिव्स शेयर करने वाली हूं। दोस्तों, इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने के लिए, इमोशंस और फीलिंग्स को बताने के लिए आपको अच्छी वोकैबुलरी का पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एडजेक्टिव्स की अगर बात करें तो एडजेक्टिव्स वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। ओके, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका यूज़ हम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, ठीक है। वर्ड ऑर्डर को ध्यान में रखना ज़रूरी है एडजेक्टिव्स यूज़ करने के लिए। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स को हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एन इनक्रेडिबल स्टोरी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अद्भुत। वैसे हम नाउन को भी पहले यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव से। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और पूरा लेसन देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। दोस्तों, फर्स्ट वर्ड इज मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट आप इसका यूज तब कर सकते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है या फिर काफ़ी इंस्पायरिंग है या फिर काफ़ी सुंदर है। जब हम इस एडजेक्टिव का यूज़ लोगों के लिए करते हैं तब इसका मतलब होता है कि कोई इंसान काफ़ी स्किलफुल है। फॉर एग्जाम्पल, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ मैग्निफिसेंट। माउंटेन के टॉप से व्यू जो है वो बहुत ही सुंदर है। They gave a magnificent performance. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा performance दिया। The palace was absolutely magnificent. Palace बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत या तो ज़्यादा impressive था। समझ में आया दोस्तों? अगला देखते हैं। Second है remarkable. Remarkable इस adjective का use तब करते हैं जब किसी चीज़ ने आपको सरप्राइज किया हो या इम्प्रेस किया हो। यानी कि अगर कोई चीज़ तारीफ के काबिल हो क्योंकि वो बिल्कुल अलग है या फिर काफ़ी सुंदर है, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। द 20th century वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स इन्वेंशंस। 20वीं जो सेंचुरी थी बिल्कुल अलग सदी थी क्योंकि उस समय काफ़ी इन्वेंशंस हुए थे। His presentation was remarkable. It was unlike any of the others at the conference. मतलब उसकी presentation तारीफ के काबिल थी बाकी सबकी presentation के मुताबिक, और वो बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, remarkable का use आप किसी को describe करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ना कि कोई इंसान आपको कभी मिला हो और वो आपको बिल्कुल अलग लगा हो सबसे, मतलब बहुत ही different लगा हो, या फिर उन्होंने कुछ इंस्पायरिंग किया हो, तब आप कह सकते हैं। जैसे कि शी रियली इज़ अ रिमार्केबल वुमन। दोस्तों, द ऑपोजिट ऑफ रिमार्केबल इज अनरिमार्केबल। बहुत ईजी है एंड इट्स यूज्ड व्हेन समथिंग इज नॉट दैट स्पेशल और इतना यूनिक नहीं है, है ना। रिमार्केबल का मतलब होता है यूनिक होना, अनरिमार्केबल उसका ऑपोजिट है, ध्यान रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड से आई एम श्योर आप सभी फेमिलियर होंगे। ये काफ़ी सिंपल है और फेवरेट भी है मेरा, जो कि है ऑब्वियस। सुना है ना ये वर्ड? ऑब्वियस का मतलब होता है, आप लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते मैं बताती हूँ। ऑब्वियस का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, मतलब साफ साफ हो और मतलब समझने में काफ़ी आसान हो। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। It was obvious that he is in love with you. ये बिल्कुल क्लियर है कि वो तुमसे प्यार करता है या तो फिर हाँ प्यार करता है। I know you don't like her, but do you have to make it so obvious?
मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर क्या तुम्हें इसे साफ साफ दिखाना ज़रूरी है? दोस्तों, बहुत बार चीज़ें हमें मतलब बिल्कुल नहीं पसंद, या हमें किसी की बिल्कुल पसंद नहीं आती है ना, हमें अपने बिहेवियर से या अपनी वॉइस टोन से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से हम ये शो कर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम ऐसा शो करें, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्टेबल। दोस्तों, ये एक न्यूट्रल एडजेक्टिव है और काफ़ी यूज़फुल भी है। इसका यूज़ ज़्यादातर तब होता है जब उन चीज़ों की बात करते हैं जो जनरली अलाउड हैं, जैसे कि एक्सेप्टेड हैं, अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल, हर परफॉर्मेंस वाज एक्सेप्टेबल बट नॉट स्टनिंग। उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, बहुत ही सिंपल, अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ एडजेक्टिव है इम्पॉसिबल। अगर कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, इसका मतलब यह है, ये होता है कि वो की नहीं जा सकती, या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, राइट? दोस्तों, ये हमेशा हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली फ्रेज लेके आई हूँ। इसका क्या मतलब है? फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नामुमकिन है, या तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, जब तक कि हम इसे रेगुलरली प्रैक्टिस ना करें। अगला, इट सीम्स इम्पॉसिबल दैट आई कुड हैव वॉक्ड बाय विदाउट नोटिसिंग हर। इसका मतलब है कि आपको कोई बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आप ये पॉसिबल ही नहीं लगता कि आप उन्हीं की तरफ ना देखें, है ना? जब वो गुजरते होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अट्रैक्टिव लोग जाते हैं तो इम्पॉसिबल लगता है कि उन्हें ना देखें। दोस्तों, अगला है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ही जाहिर सा होता है, जो बहुत ही जाहिर सा चेंज हम जो देखते हैं या जो नोटिस करते हैं, और काफ़ी बड़ा चेंज होता है और जो दिखाई देता है, जो बहुत ही जाहिर होता है, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव टेकन प्लेस सिंस यू लेफ्ट। काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं जब से तुमने ये जगह छोड़ी है। There has been a significant increase in population over the last 10 years. जी हाँ दोस्तों, population पिछले 10 सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आई है, जो हम सब जानते हैं और काफ़ी significant है। अब आप समझ गए? अगला है ridiculous. Ridiculous, इसका मतलब क्या होता है? Stupid, weird या funny, right? दोस्तों, मुझे ये काफ़ी मज़ेदार वर्ड लगता है, क्योंकि इसका यूज़ आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक थोड़ा सा नेगेटिव एडजेक्टिव है। अगर आपने इसे गलत जगह पर यूज़ कर दिया तो समझ लीजिए सामने वाले को तो बुरा लगना ही है, ठीक है? तो मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ कि आपको कैसे बोल सकते हैं। दैट्स अ रिडिकुलस आइडिया, ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। You look ridiculous. Take it off. मतलब तुम इसे पहनो ही मत, तुम बेवकूफ़ दिख रहे हो। अब दोस्तों, आप ये सब अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? It's ridiculous that the shops closes at 5. अजीब सी बहुत ही फालतू बात है कि शॉप 5 बजे ही बंद हो जाती है। दोस्तों, हम ridiculous का यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी के बात पे या किसी इंसान पर हंस रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बहुत ही बेकार आइडिया सजेस्ट किया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें लॉजिक ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं डोंट बी रिडिकुलस, डोंट बी रिडिकुलस, आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग सो रिडिकुलस। इस तरह भी बोल सकते हैं, मतलब मैंने ऐसी अजीब या पागल या फालतू बात मैंने आज तक सुनी नहीं है। दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने दोस्तों में बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा कि बुरा ना लगे किसी को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने आखिरी वर्ड को देखते हैं, जो कि है कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जब कोई काम करना बहुत मुश्किल हो, या समझना मुश्किल हो, या फिर कोई चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो। इसका हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं।
the directions he gave were really complicated. जो directions उसने हमें बताई थी वो काफ़ी मुश्किल थी या काफ़ी समझ ही नहीं आ रही थी हमें. होता है हमारे साथ, right? They have been together for years, but they still have a complicated relationship. वो काफ़ी सालों से एक साथ हैं पर उनका relation काफ़ी मुश्किल है. दोस्तों यहाँ मुश्किल से मतलब है कि उनके relationship में काफ़ी problems है, मतलब एक दूसरे को समझने से related काफ़ी problems हो सकती हैं, इसलिए वो relationship complicated है. तो दोस्तों ये थे हमारे important 8 adjectives. इसी के साथ हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है. हर बार की तरह आप मुझे आपके फेवरेट एडजेक्टिव्स क्या हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. मैं हमेशा पढ़ती हूँ दोस्तों, तो आपको ज़रूर मुझे लिख के बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और वीडियो को लाइक और शेयर कर तो आपको करना ही, आपको जैसे पता है, अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो. दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमें बताते भी रहिए. मैं जल्द मिलूंगी आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर. बाय.